गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल पटेल, सोफ्ताम एजुकेशन ग्रुप का डायरेक्टर। आज हम लोग जो कंट्री के बारे में बात करेंगे, कल हमने एक बात किया था जो कि जिसको हम लोग दुश्मन रियल में काउंट करते हैं, वैसी कंट्री का। आज हम लोग जो बात करेंगे एक दोस्त वाली कंट्री, मीन्स दोस्त बोल सकते हैं उसको, सालों से अपने सपोर्ट में, समझ ही गए होंगे आप लोग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रशिया। यस, कभी भी हम लोग सोचते हैं रशिया के बारे में, सबसे पहला जो अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है टेम्परेचर। हम लोग डरते हैं टेम्परेचर से। सर वहाँ पे तो -20 डिग्री टेम्परेचर होगा, -30 होगा, वॉट इज द मीनिंग ऑफ इट। जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, 4 से 5 AC लगे होंगे, वहां पे 0 लेवल के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन किया गया होगा। अगर आप वहां पे ठंड में नहीं रह पा रहे हो तो ऑपरेशन थिएटर में कहां से खड़े रहेंगे आप? समझने वाली बात है। दूसरी बात, अगर ठंड से ही डर लगता, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्या कंडीशन है वहां पे? ठंड नहीं है वहां पे? ठंड हर एक जगह पे। एक्चुअली आप एक वर्ल्ड मैप लेके वर्ल्ड मैप के अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसके ऊपर का पोर्शन देखेंगे वो गर्म पोर्शन है, उसके नीचे का जो पोर्शन है वो ठंडा है। टोटल मीन्स ऊपर का ठंडा है, नीचे का गर्म है, सॉरी। सो अगर आप बात करेंगे ठंड की, तो कनाडा, US में सब जगह पे ठंड भी है, तो भी मैक्सिमम इंडियन लोग वहां पे जाके बसे हुए हैं। रीजन क्या है? वहां पे पैसा कमाने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग सोच नहीं रहे कि पैसा नहीं, एजुकेशन सबसे बड़ी कमाई है। पैसा कोई भी आपके पास से ले जाएगा। एक बीच में मैंने एक मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने पढ़ा था कि एक बैंक में चोरी हुई, पैसा ले गए सब लोग, लेकिन पेन वहां पे लटकती रह गई। क्या मतलब था इसका? नीचे मोरल ऑफ द स्टोरी लिखा था कि भाई लक्ष्मी तो कोई भी छीन के ले जा सकता है, सरस्वती कोई नहीं ले जाएगा। So, समझने वाली बात है। पढ़ाई कहाँ पे अच्छी हो रही वो देखना है आपको, ठंडी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, डिसीज कई कई वहाँ पे थोड़े अलग होते हैं, कई यहाँ पे नहीं होते, तो उल्टा अच्छा है ना वो। आप ठंड वाले माहौल में रह के वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप US के पैरेलल डिसीज का भी वहाँ पे स्टडी कर रहे हो, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप वही डिसीज का स्टडी कर रहे हो जो कनाडा में है, जो वही न्यूजीलैंड में है, वही रशिया के अंदर है, वही यूरोपियन कंट्री में है, क्योंकि ठंड है वहां पे, तो वहां पे वो डिसीज होने वाला है, नाम अलग होगा। सो बात हम लोग करते हैं ठंड की, बात करने की जरूरत नहीं है, इट इज बेटर थिंग, उसको गलत लेने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज को गलत क्यों ले रहे हो? कोई भी कंट्री खराब नहीं है। कंट्री के लिए जो काम करने वाले कंसल्टेंट है इंडिया में, वो लोग खराब है। बड़े नाम है, बड़े नाम है, लेकिन दर्शन बहुत गंदे हैं। बातें होती है 6 साल के सपोर्ट की, लाइफ टाइम सपोर्ट की, लिखा होगा कई लोग ने फी स्ट्रक्चर में लिखा होगा 6 ईयर सपोर्ट। नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन वैसे ब्रोशर देख लेना, जिसने लिखा हो उसने कितना 6 साल का सपोर्ट दिया देख लेना। मैं बोलने से प्रूव नहीं कर पाऊंगा वो चीज को, लेकिन वो बच्चों से आप बात करेंगे, जब आप पर्सनली कॉल करेंगे, आप नंबर मांगना, हम नंबर देंगे आपको, और वो बच्चे आपको कंपनी का नाम बताएंगे, हम कंपनी का नाम कभी नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन वैसी बड़ी कंपनियों से बच के रहिए। 7 साल से काम करते करते इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े फेस को जान चुके हैं अच्छी तरह। सो रशिया में अगर एडमिशन ले रहे हो, क्या ध्यान रखना है आपको? ठंड का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दे हैव अकोमोडेशन, Which accommodation will provide you the safety? ठंड होगी, लेकिन सामने आपको वैसा accommodation भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना। यूनिवर्सिटी में गर्मी का एहसास होगा आपको, हॉस्टल में जाएंगे रूम के अंदर हीटर लगा हुआ है, बाहर जाएंगे कपड़े आपने वैसे पहने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक कभी हमने ऐसा पढ़ा है कि रशिया से कोई मर गया और रिटर्न आया ठंड की वजह से? वैसा होता तो हर साल 5-6 हज़ार लोग जा रहे, 2-3 आते रिटर्न। उससे डरने की जरूरत नहीं है। रशिया में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
तीन टाइप की चीज़ है वहाँ पे, तीन टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉपरली, बाद में डिसीजन लीजिए। क्यों आइडेंटिफाई करने को बोल रहा हूँ, टोटल तीन चीज़ और बाद में एक चीज़ अलग से बोलूँगा मैं। तीन चीज़ के अंदर तीन टाइप की यूनिवर्सिटी है, एक है रशियन लैंग्वेज, एक है बायलिंगुअल, एक है इंग्लिश मीडियम। रशियन लैंग्वेज वाली यूनिवर्सिटी ऑलवेज वहाँ पे फॉलो करती है, मींस जो वहाँ पे बजट रहता है उसका, वो होता है 11 से 12 लाख का पैकेज। रशियन मीडियम की यूनिवर्सिटी हम लोग कभी भी प्रीफर नहीं करेंगे। दूसरे लेवल पे आती है बायलिंगुअल, 3 साल रशियन इंग्लिश पढ़ाया जाता है या 4 साल इंग्लिश पढ़ाया जाता है, 2 साल या 3 साल का रशियन होता है। इट्स नॉट अ प्रेफरेबल, आप मत कीजिए वैसी जगह पे एडमिशन कभी भी। पैसा आप खर्च कर रहे हो उसमें बहुत फर्क नहीं होता बायलिंगुअल और इंग्लिश में। बायलिंगुअल अगर आप जाएंगे तो 20 लाख के ऊपर जाएगा बजट आपका, 22-23 लाख का बजट जाएगा। इंग्लिश मीडियम का बजट जाएगा आपका मोर देन 28 और 29 लाख रुपीस, लेकिन वो यूजफुल है। 4 साल आपने पढ़ाई की, आपको ऐसा भी लगेगा यार 4 साल में तो रशियन आ जाएगी ना, लेकिन कौन एज्यूम कर सकता है कि नहीं आएगी, आ भी सकती है। इट्स नॉट लाइक चाइनीज लैंग्वेज, इजी है सीखना, इजी है, लेकिन मेडिकल पार्ट्स में जब हम लोग बात करते हैं, एनाटॉमी के अंदर जो बात करते हैं, अगर हम लोग बॉडी के पार्ट्स की बात करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहां पे आते हैं जो बॉडी के पार्ट्स की स्पेलिंग आप इंग्लिश में याद रखेंगे या कि फिर रशियन में याद रखेंगे। सो खास चीज यही जानने की जरूरत है, वहां पे जब भी एडमिशन लेते हो इंग्लिश मीडियम में लीजिए। फोर्थ जो मैं पार्ट बोला था, जो अलग से बोलने के लिए बोल रहा था, कि वहां पे अगर आप जा रहे हो तो जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, कौन से सिटी में आया हुआ है, सिटी का पॉपुलेशन क्या है, उसके हिसाब से वहां पे एडमिशन लीजिए। जितना बड़ा सिटी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा, उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है। सो गवर्नमेंट वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लूंगा मैं, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटी छोटे टाउन में आई हुई है, वहां पे 2 या 3 हॉस्पिटल से उसका टाइप है। अभी वहां पे गायनेक के साथ टाइप होगा, पीडिया के साथ टाइप होगा, ऑर्थो के साथ, बाकी ब्रांच क्या करेंगे आप, कहां पे सीखेंगे, ओनली थियोरिकल, प्रैक्टिकल एक्सपोजर का क्या करेंगे आप। सो कभी भी ध्यान रखिए रशिया में जा रहे हो, और यस सेकंड थिंग, जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, MCI, WHO, ECFMG अप्रूव्ड है या नहीं, वो चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। सो सिटी कौन सी है, अगर आप बोलेंगे आपको मॉस्को जाना है, सेंट में जाना है, तो वो गलत बात है। मेन सिटी के अंदर जाएंगे, खर्चा महंगा पड़ेगा, 50 लाख 60 लाख से ऊपर का बजट चाहिए आपको, आप एफर्ट कर सकते हो जाइए, लेकिन वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट का ग्रुप बहुत कम मिलेगा, फिर वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट का क्राउड नहीं मिलेगा। तो सिटी ऐसा नहीं ज़रूरत है अपने को कि नज़दीक चाहिए मॉस्को से, उससे सिटी बड़ा होना ज़रूरी है। सो रशिया के लिए आज के दिन इतना ही, मैं राहुल पटेल आपसे विदाई लेता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉल कीजिए कभी भी, नंबर मेरा आपके पास होगा ही, तो भी नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, 9172704848। और हमारा वेबसाइट है www.softamo.org, कभी भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से चैट भी कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। कुछ भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहती है आपको, कोई भी मेन क्वेश्चन आपको जानना है, कुछ भी करना है, एडमिशन लेना नहीं लेना बड़ी बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को गाइड कीजिए। गलत इन्फॉर्मेशन लेके आप जाएंगे, दूसरे 4 को गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपका लाइफ तो बर्बाद कर रहे हो, दूसरे जो 4 लोग हैं उनका भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो कभी भी गलत डिसीजन के साथ आगे मत बढ़िए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था,
सी लोग आपको दिखाएंगे वो आपको देखना नहीं है। मैं अगर आपके हाथ में दूरबीन दिला दूंगा, आपको बोलूंगा आप देखिए कितना नजदीक बिल्डिंग है, चलिए आप, और वो दूरबीन मैंने उल्टा करवा दिया और आपको बोलूंगा बिल्डिंग बहुत नजदीक है, चलिए आप टकरा जाएंगे किसी से। क्यों? क्योंकि आप दूरबीन हटा के नहीं देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? मैंने दूरबीन आपके रखा है आंख पे, उसके हिसाब से देख रहे हैं। सो इट्स नॉट ए जनरल फिलोसॉफी, सोचने की समझने की बात है, सबकी सेंस होनी चाहिए चीज में। खास करके बच्चों को और पेरेंट्स को खुद से डिसीजन लेना है, दूसरे देते हैं इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से मत जाइए कभी भी। हर एक कंट्री का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, समझिए जानिए फिर बात कीजिए। सो धन्यवाद। अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा है माफ़ी मांगता हूँ। हमारी बोलने की आदत है, एडमिशन आता है नहीं आता उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों का लाइफ खराब ना हो वो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है। थैंक यू।